25 जुलाई 25 जुलाई 1983 कहाँ पैदा हुए? सखर में। सखर में, ठीक है जी। टाइम बताएगा? 4 से 5 सर, शाम के वक्त। शाम के वक्त। क्या पूछेंगे भाई के बारे में? मुझे उनके बारे में फ्यूचर के बारे में पूछना है कि वो बाहर जा सकते हैं या नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी, और बच्चे वगैरह। ओए होए, चले इतने सारे सवाल भाई का पूरी जिंदगी पूछ ली, हम अभी बताते हैं, ठीक है? छत को रेमेडी भी बता दीजिएगा। अच्छा, होगी, बन रही होगी तो बता देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है, एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है, अक्रब, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन इनका जद्दी है कैप्रिकॉन, इसका सितारा जोल है। आपके भाई का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह, बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। अभी भी इनको ज़रा एक नहस सितारे राहू का दौर है, जो कि जायचे में कमज़ोर है, और आठवें घर में जब भी राहू होता है, बल्कि राहू तो किसी घर में भी बैठता है तो उसकी मंसूबात को, उसकी पोजीशन को ख़राब करता है। तो ये दौरानिया तो इसका मेरा ख्याल है कि कम से कम भी 2016 में जाके ये ख़त्म होगा इनको राहु, क्योंकि ये 18 साल का दौर होता है। तो जैसे ही इनको राहु ख़त्म होगा तो इनके मामलात बहुत तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर चूँकि असेंडेंट में है, इनके ताले लगन में जुपिटर है, और असेंडेंट में जब जुपिटर होता है और उसकी दौर शुरू हो जाए, तो इंसान को हर तरह की तमाम ख्वाहिशात की तकमील होती है, माल और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, नाम, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला इनको मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम है इनको, जैसे इनको ये पीरियड जो है राहु का ख़त्म होगा, एक बेहतर सूरत हाल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। शादी इनकी जो है, शादी भी इनकी बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ, किसी बड़ी अकलमंद, समझदार, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी खातून से इनकी शादी होगी, और बड़ी नेक और मजहबी भी होंगी। और ये शादी इनकी, मेरा ख्याल है कि इनकी जो शादी का पीरियड है वो इनका बन रहा है तकरीबन 2012 जून के बाद, जून से दिसंबर के दरमियान इनकी शादी हो जाएगी। और ये औलाद में इनके 3 से 5 बच्चे होंगे, जिसमें इनको बेटे भी होंगे और बेटियां भी होंगी। जी सभी कुछ बता डाला, कुछ नहीं छोड़ा, इनकी पूरी ज़िंदगी बता दी, वाह क्या बात है। कमिंग बैक टू आवर प्रेडिक्शंस, जिसका हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल के दे रहा है सर, हमारी प्रेडिक्शन सर। जी जी बोले। अब मुझे बताएं कि हमारी जो आवाम है वो थोड़ी कूल डाउन होगी, बात बात पे इतना हाइपर रिएक्शन तो नहीं होगा। अब हमने देखा है कि डे बाय डे हम लोग के रिएक्शन बड़े हाइपर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, प्रॉब्ली इस वजह से भी क्योंकि सुने नहीं जाते, यू नो। लेकिन दूसरी वजह है कि हम लोगों में शायद पेशेंस भी बिल्कुल, महंगाई भी है, टेंशन भी है, लोगों को परेशानी भी है। ज़ाहिर है जब लोगों को इतने सारे मसाइल घर से ले कर निकलते हैं बेचारे ऑफिस तक, तमाम मसाइल ही मसाइल, ट्रैफिक में मसाइल, घर में मसाइल, दफ्तर, तो ज़ाहिर है लोग कम इस तरह की पोजीशन में तो कोई भी आदमी नॉर्मल नहीं रह सकता। तो मेन वजह यही है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इज्तमाही दुआएँ करनी चाहिए अपने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को बेहतर बनाए। चूँकि सियासतदान तो बेहतर करने वाले नहीं हैं, अब हमें अल्लाह से ही रुजू करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को बेहतर करे, और हमारे सियासतदानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, ताकि वो हमारी कौम की तरफ, हमारे आवाम की तरफ देखें बेचारों की क्या हालत हुई है। बाज़ लोग तो ऐसे लोग भी गरीब गुरबा हैं बेचारे, जो दो वक्त रोटी भी नहीं बेचारे खा सकते, एक बहुत वक्त की रोटी नहीं है, दो वक्त रोटी तो ख्वाबों की बात है, परेशानी है। तो बहरहाल बाकी यह है कि, और दूसरा ये कि हमें अपने आप को भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जैसी कौमें होती हैं हम उन पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, तो हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो ज़रूरी है कि यही हमारे हुक्मरान बेहतर हो जाएं, या जो भी आने वाले हैं वो हमारे लिए एक बेहतर, एक मुस्बत सोच रखने वाले लोग होंगे। सही, आपने जो बात की ना, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम में खुद इतनी खराबियाँ हैं, हम खुद कितने रूल्स फॉलो नहीं करते, हम खुद बड़े जैसे कहते हैं ना, हम बड़े आराम से सारे रूल्स तोड़ देते हैं, झूठ भी बोलते हैं दूसरों से, रिश्वतखोरी भी करते हैं। नहीं, इसमें फ़ख्र की बात नहीं, हम करते हैं, और जब हम खुद कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं हमारे लिए जायज़ है, इतना सब कुछ सराउंडिंग में हो रहा है तो क्यों ना हम भी करें, हम इस तरह सोचते हैं। जब हम अपने लिए हलाल कर लेते हैं तो, जब हम ऐसे हैं तो हमारे फिर हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई राइट नहीं बनता उनको बैठ के आप गालियां दें या उनको 10 बातें सुनाएं, जब आप खुद ये कर रहे होते हैं। हमारे पास एक कॉल मौजूद है सर। अच्छा, इन कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी उमेरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी उमेरा, हमारे पोल का जवाब दीजिए। मैं तो सो जाती हूँ।
चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग. अच्छा जी, मेरा क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपने बारे में मालूम करना है. अपने बारे में? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त. कौन सी अगस्त? 30 अगस्त 1981. कहाँ पैदा हुई? मैं लाहौर में पैदा हुई. सुबह 6:30 बजे का टाइम. 6:30 बजे सुबह. हाँ जी. तो मेरा क्वेश्चन है लेटर साहब से ये है कि मेरी दो मरतबा मतलब मैरिड लाइफ जो है वो फेल हो गई है. तो डिवोर्स हो चुकी मुझे दो मरतबा. तो अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है कि हालात में मेरी बेटी कब तक आएगी. ठीक है ठीक है जी. आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन हमें उनकी बात समझ में आ गई है. अच्छा सर, वो ये पूछ रही हैं कि उनकी दो बार मैरिटल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो क्या वजूहत हैं? शायद वो किसी तीसरी का भी पूछना चाह रही होंगी, तो हमें उनकी बात समझ नहीं आई. अल्लाह खैर करे. बीबी, इस जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो लियो है, असद जिसका सितारा सूरज है, और मून साइन भी लियो है, इसका भी सितारा सूरज है. ये कोई गुज़श्ता 7.5 साल से एक साढ़सती जो कि एक बड़ी नहस वजह फल की होती है वो आपको बनी हुई है. और दूसरा मंगल योग है आपके जायचे में मैंगलिक है, और वो मैंगली का मंगल का पीरियड जो है ना मिर्रीख का, वो भी आपको एक्टिव है. ये पीरियड मेरे ख्याल है कि अभी कम से कम भी 2015 तक ये पीरियड आपको रहेगा, ये जो मंगल योग का पीरियड है. तो इस दौरान आप जो भी शादी करेंगे, किसी नॉन मैंगलिक से शादी करेंगे, या तो वो मर जाएगा या फिर उससे तलाक हो जाएगी आपको. तो लिहाजा मेरा तो आपको शादी भी नहीं किसी मंगल योग वाले से ही करनी होनी चाहिए. अगर आप मैच करके शादी करते हैं और मंगल योग वाले से शादी करती हैं, तो फिर वो आपकी शादी कामयाब रहेगी, टसल बराबर की रहेगी. जी हाँ, बिल्कुल बराबर. तो आप नॉन मैंगलिक से जब भी आप शादी करेंगे, तो फिर वो शादी कामयाब नहीं होगी. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा. और दूसरा ये कि इस वक्त माशी तौर पे भी आपकी सूरत हाल जायचे में ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसके लिए आपको इसकी रेमेडी करनी होगी. एक तो आप मरजान पहने सुर्ख रंग का, और दूसरी सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करें, जिसमें सुर्ख मसूर की दाल, फूल की पत्ती वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कपड़ा भी सुर्ख आप सदका कर सकती हैं. और दूसरी सबसे एक अहम बात यह है, सेब अनार जी जायचे में, कि आपने किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करनी है. मुमकिन है आपकी तीसरी शादी किसी ऐसे आदमी से हो जाए जिसका ताल्लुक मुल्क. तीसरी शादी का इम्कान है? जी इम्कान है. तो आप लेकिन 2015 के बाद ही करें तो बेटर. 14-15 के बाद, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, लेट होगी 2015 के बाद अगर आप करें तो इस वक्त के बाद कीजिएगा. और जिस तरह की रेमेडीज इन्होंने बताई, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन. लेकिन वो मैच करानी है जी. मैचिंग जरूरी है. मैचिंग जरूरी मैच है तो मैं कहता हूँ हर आदमी को करनी चाहिए. जो हाँ, कोई भी आदमी जो इस जमीन पे पैदा हुआ है, उसे अपनी शादी मैच करके करनी चाहिए. अगर वो मैच करके शादी करेगा तो वो 100% कामयाब होगी, और दूसरा उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी. अब अगर आप मैच नहीं करते तो शौहर का मिजाज कुछ है, बीवी का मिजाज कुछ है, तो वो काफी प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. जी हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हां जी, गुड एवरी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग जी, आरफा बात कर रही हूं. आरफा कहां से? इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से जी आरफा, क्या हमारे पोल का जवाब दीजिए. जी हम मुबारक करते हैं. वेरी नाइस. वाकई में करती हैं? जी बिल्कुल. चले जी, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा जी अरफा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने तो लाइफ में पूछना था. चले ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए. डेट ऑफ निकाह निकाह डेट ऑफ बर्थ बताएं ना. अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है तो ज्यादा बेटर रहेगा ना. अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. एग्जैक्ट नहीं है ना, हमें पता. चलो निकाह की, निकाह की बताइए फिर. ये 17 जनवरी 1995. कहाँ हुआ? दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद में. ठीक है जी, क्या पूछना है मैरिज लाइफ को? मैंने पूछना था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, मतलब में बाहर हम इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं. चले इमिग्रेशन का पूछ. ठीक है जी, हम बता रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. हाँ जी, बाहर मुल्क सेटल होना चाह रहे हैं. जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है, असेंडेंट जो है वो टॉरस है, सौर जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन आपका है कैंसर है, सरतान इसका सितारा कमर है. पहले एक ख़ास बात, अहम बात यह है कि जो टॉरस वाले लोग हैं जिनका मून साइन टॉरस है या जिनका असेंडेंट टॉरस है, इनके लिए 2012 का साल बहुत खुशियों का साल है, क्योंकि जुपिटर इनके असेंडेंट में आ जाएगा, और वो आएगा मई और जून के बिटवीन जाके उनके असेंडेंट में, और 13 महीने वहाँ रहेगा. तो जिन लोगों का मून साइन टॉरस है या जिन लोगों का असेंडेंट टॉरस है, उन लोगों के लिए ये 13 महीने जो है बहुत खुशियों के होंगे इंशाल्लाह. जो भी आपके काम वगैरह, जिस तरह आपकी सूरत हाल में जायचे में देख रहा हूँ,
आपके भी असेंडेंट में आएगा तो इंशाल्लाह आपके मामलात जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जायचे में भी मुझे किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नज़र आती है, लेकिन इसका जो पीरियड है वो जून जुलाई से शुरू होगा। चलें जी, ठीक है जी, और सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लियाकत सत्यन साहब को मुझे थैंक यू करना पड़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कभी कभी किसी दिल नहीं चाह रहा होता किसी को थैंक यू करने का, कभी कभी मज़ा आ रहा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सेगमेंट है, ख़त्म होना है उसने। और यहाँ मैं पोल का जी सवाल रिपीट करती चलूँ, हमारे पोल का सवाल है कि न्यू ईयर के वक्त आप क्या करते हैं, पार्टी करते हैं या बात करते हैं या दोनों करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते सब बता सकते हैं, और आप ये हमें हमारे ईमेल एड्रेस से बता सकते हैं, विच इज़ हेल्दी मॉर्निंग एट हेल्थ -tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी बता सकते हैं और कॉल पे भी बता सकते हैं। लेकिन अब हम चल रहे हैं ब्रेक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं एंजाइटी पे, और आप लोग कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक।